तो ये है बादाम, तो हमने इसको ऐसे सपोर्ट दिया ऊपर थोड़ा। तो ये है मेरे ऑर्चर्ड। तो गाइज ये देखिए मैंने भर दिए शोशोता इसमें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं रूमनंग खुमानी लेने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अभी एक व्लॉग शुरू करूँ और तो दिखाऊंगी मैं आपको अपने ऑर्चर्ड सेब के। और गाइज ये देखिए रोड कितने खराब है हमारे खेत जाने वाले। A few moments later. गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में और आप देख सकते हो यहाँ पीछे सेब लगे हैं। अभी तो हरे ही हैं बट कुछ टाइम बाद हो जाएंगे। रूमनंग में थोड़े पहले होते हैं हमारे सेब क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है और जो मेन गांव है वहाँ पे लेट होते हैं। और देखो खुमानी भी जल्दी पक चुकी है, गांव में तो अभी हरी ही है, अभी नहीं पकी है। तो हम खुमानी लेने आए हैं फिलहाल तो। बट मैं सोचा साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ अपने ऑर्चर्ड। यहाँ पर यहाँ से नीचे है तो गैजी वाले खेत हमारे, ये ऐसी ढलान वाली जगह में, ये नीचे सड़क है, यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रखी है। और ये देखो इतनी ढलान है और मेरे पापा और भाई ऊपर है। गाइज यहाँ से लेकर वहाँ ऊपर तक है हमारे खेत। ये है बादाम का पेड़। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगी, इसमें बादाम भी लगे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी नीचे जाकर। गाइज यहाँ पे दो बादाम के पेड़ लगे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, एक वाला दिखाती हूँ, एक बहुत ऊपर है जो नज़दीक है वो वाला दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइज ये है बादाम और इसकी हम कोई केयर नहीं करते, मतलब जितनी एप्पल की करते हैं तो इसमें बीमारी होती है काफ़ी। इसमें पूरा पूरा ऐसे जैसे गोंद जैसा चिपचिपा जैसा होता है पेड़ में, इसमें भी होता है और फ्रूट्स में भी होता है। तो ये है बादाम, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अभी कच्चे होंगे ये, अभी कच्चा है पूरा, अभी तो पका भी नहीं है, अभी तो बिल्कुल ऐसा है। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब तब का लगाया पापा ने ये पेड़, दो पेड़ लगाए हैं उस समय, मैं और मेरी बहन थे तो दो पेड़ लगाए थे। फिर पापा बोलते थे एक तेरा और एक तेरी बहन का, तो हम बड़े खुश होते थे उस टाइम पे। और गाइज मेरा जो ये वाला खेत है ना वो काफ़ी दूर है, रूपनंग मेन गाँव से काफ़ी दूर है, तो हमारे को गाड़ी में आना पड़ता है। यहाँ पर आड़ू का भी पेड़ है वो उस साइड को है, काफ़ी दूर है। पर अभी ना खुमानी निकालने जाती हूँ मैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बारिश आ रही है, अगर बारिश नहीं आएगी तब तो मैं फिर भी टूर कराऊंगी। बट ऐसे ही ऊपर से नीचे सेम ही है तो मैंने सोचा एक ही वाला एक ही खेत दिखाती हूँ क्योंकि घास भी उगी हुई है ना, नहीं तो मैं शायद ऊपर तक व्लॉग बनाती। पर इतनी ज़्यादा घास है, बहुत लंबी घास है, डर लग रहा है चलने को। ऊपर से मैं चप्पल पहन के आई हूँ जल्दबाजी में, अचानक प्लान बना हमारा खुमानी लाने का क्योंकि मेरा इतना मन था। तो हर बार मैं नहीं आ पाती हूँ इस टाइम पर जब फ्रूट्स होते हैं खुमानी वगैरह होती है, तो लकीली इस बार मैं आ पाई हूँ। ऊपर जाते हैं अब, ये हमने सपोर्ट दिया इन ब्रांचेस को क्योंकि ये सारी नीचे आ रही थी। ये देखो ये तो बिल्कुल नीचे यहाँ टच कर गई थी, तो हमने इसको ऐसे सपोर्ट दिया ऊपर थोड़ा। यहाँ से ऊपर भी है ऊपर तक, घास भी हो चुकी है काफ़ी। मेरे भाई और पापा पर हैं, दिख नहीं रहे अच्छे से। गाइस ये देखिए बुलिया पर लेफ्ट, और ये लगा ही है काफ़ी पेड़ों में लगा है हमारे बुलिया पर लेफ्ट। मेरे पापा और भाई ने दोनों ने इतने खुमानी निकाल दी जब तक मैं वापस आई, और अभी भी पेड़ में ही है। गाइस ये लगे हैं अखरोट, और यहाँ देखो इसकी टहनियाँ कहाँ तक है, यहाँ पूरे यहाँ टच कर गई है ज़मीन में। ये जो अखरोट का पेड़ है ये पूरे ढलान में, तो जब हम इसको निकालते हैं ना, हम इसको लकड़ी से निकालते हैं तो ये सारे यहाँ से नीचे तक जाते हैं, तो पूरे घर वाले आते हैं हम फिर इकट्ठे करते हैं क्योंकि ये फिर नीचे तक वहाँ तक जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे बाउंड्री में खड़े रहते हैं फिर हम इनको इकट्ठे करते हैं। तो गाइज ये जगह जगह हमने लगाए हैं सपोर्ट। मैं ऊपर तक व्लॉग नहीं बनाऊँगी, बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे दिखाती हूँ आपको यहाँ नीचे तक, ऐसे दिखेगा ही नहीं, पूरा कवर कर दिया ना इसकी टहनी ने, यहाँ दिखेगा ही नहीं, दिख भी नहीं रहा है। तब हम निकल जाएंगे खुमानी निकाल कर, और इतनी खुमानी निकाली हमने,
हमने तो क्या, मैंने पापा और रौनक ने, मैं तो पेड़ में नहीं चढ़ पा रही थी। ये है गाइस खुमानी का पेड़, और इसमें थोड़ी बहुत ही बची, आधी हम लेकर गए थे, थोड़ी बहुत जो बची अब हम वो लेने आए हैं। सोनू हाय बोलो। हाय बोल भाई। रौनू मेरे कैमरे में आना पसंद नहीं करता। निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसकी जो उसकी टहनियाँ ना बाहर निकल चुकी है खेत के बाहर, तो वहाँ से भी निकालना ज़रूरी है। तो पापा और भाई वहाँ से निकाल रहे और मैं बिल्कुल यहाँ नज़दीक से निकाल रही हूँ। A few moments later. ये है अखरोट का पेड़ और इसके साथ ही खुमानी का पेड़, और इसके पीछे है बादाम का पेड़, और यहाँ है चिल्ली का पेड़। अभी हम चिल्ली निकाल रहे हैं। A few moments later. गाइस हम अब घर जा रहे हैं, मेरे भाई को गॉगल्स मिल गए, अभी पहन के जा रहे हैं। A few moments later. तो गाइस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने खेत, घर के सामने वाले खेत में आई थी, तो मुझे अचानक शुश्रुषा दिख गए। शुश्रुषा इतने टेस्टी होते हैं, हम बचपन में बहुत खाया करते थे, और मतलब ये हमारे अड्डे होते थे, जो हमारे अड्डे थे ना, मैं वहीं पे आई देखने को कि वहाँ पे है, और वहीं पे हर जगह पे उगे हुए हैं, यहाँ पे एक परली साइड है। तो गाइस ये है शुश्रुषा, बेरीज है, हम इनको अपनी बोली में शुश्रुषा बोलते हैं। तो गाइस ये देखिए मैंने भर दिए शुश्रुषा इसमें, थोड़े से अपने भाई बहन को ले जा रही हूँ, मैंने तो यहीं खा दिए क्योंकि ऐसे निकाल के खाने में अलग ही मज़ा है, जो ऐसे निकाल ऐसे भर के खाने में नहीं है। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ लेकर, और दूसरी जगह पे भी मुझे दिख गए, वो मैं अगली बार लूँगी वहाँ से। और यहाँ देखिए गाइज़ यहाँ पे सेब कितने छोटे हैं, और वहाँ पे यहाँ के कंपैरिजन में रुमनंग में सेब का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया था। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।